सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। जरा गौर से देखिए इन ग्रामीणों को कैसे नवनिर्मित पथ को पापड़ी की तरह उखाड़ रहे हैं। जी हां, पलामू जिले में चल रहे विकास कार्यों में मची है लूट। इसे विकास योजनाओं के बजाय लूट की योजना कहेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी हां, इसका ताजा उदाहरण पलामू जिले के चैनपुर प्रखंड क्षेत्र के बूढ़ी बीर से सुकड़ी मोड़ तक बन रहे 2.4 किलोमीटर पक्की सड़क में भारी अनियमितता बढ़ती जा रही है। इस सड़क का निर्माण ग्रामीण विकास विभाग विशेष परमंडल के द्वारा किया जा रहा है। शुक्रवार को सुकरी गांव के ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कार्य का विरोध किया और निर्माण कार्य बंद करा दिया तथा इस मामले की जानकारी पूर्व जीप सदस्य रामलाव प्रसाद को दी। ग्रामीणों का कहना है कि संवेदक के द्वारा सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है तथा मिट्टी और धूल पर ही पीच का कार्य किया जा रहा है जिससे सड़क तुरंत टूट जा रहा है। सड़क निर्माण कार्य पिछले एक महीने से चल रहा है। एक महीने पहले जहां सड़क बनाया गया था वहां सड़क टूट चुका है तथा बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो चुका है जिसे स्थानीय लोगों के विरोध करने पर मौजूद ठेकेदार प्रदीप केसरी के द्वारा मोरम भर दिया गया। ग्रामीणों ने कहा कि सड़क बने एक महीना भी नहीं हुआ और सड़क को हाथों से पापड़ी की तरह उठा रहे थे ग्रामीण। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक उच्च अधिकारी से जांच नहीं की जाती है तब तक सड़क निर्माण कार्य बंद रहेगा। वही ग्रामीणों के शिकायत पर मौके पर पहुंचे पूर्व जीप सदस्य रामलाव प्रसाद ने कहा कि इस सड़क का निर्माण बेहद घटिया सामग्री से घटिया तरीके से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सड़क निर्माण कार्य में सुधार नहीं हुआ तो इस मामले की शिकायत उपायुक्त पलामू से किया जाएगा। ग्रामीण सड़क निर्माण में सुधार के लिए लंबी लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार है। जब इस सड़क के प्राकलित राशि की जानकारी और निर्माण कार्य घटिया तरीके से करने की शिकायत के लिए कनीय अभियंता सतीश को फोन किया गया तो फोन बंद मिला। वहीं सड़क निर्माण कार्य का विरोध करने वालों में वार्ड सदस्य रविंद्र चौरसिया, लाल बहादुर महतो, रमेश चंद्रवंशी, मुन्ना चौरसिया, वीरेंद्र चौरसिया, योगेंद्र राम, दुद्दुन चौरसिया, विवेक चौरसिया, भगवान चौरसिया, मोहन चंद्रवंशी, नागेंद्र राम सहित काफी संख्या में ग्रामीण शामिल थे। इससे तो यह बात स्पष्ट हो गया कि कहीं न कहीं विभाग व ठेकेदार की मिलिक भगत से इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। चैनपुर से संदीप चौरसिया की रिपोर्ट। ठेकेदार कह रहा सही है, आप लोग का क्या लग रहा है कि सही है कि खराब है? आप लोग तो लेबर हैं, आप लोग को ज़्यादा जानकारी होगी। खराब है ना? चलिए, क्या नाम हुआ आपका? क्या जी? ये रोड क्षेत्र भ्रमण के क्रम में एक बार और आए थे जो देखे कि एक कर्से बनते जा रहा है, एक कर्से का बढ़ते जा रहा है। ठीक है, जो अभी भी मिसाल कायम है, देखने की चीज़ है। और आज भी जो बन रहा है, आज बन रहा है, सो तो आप लोग खुद देख रहे हैं कि डस्ट से अति किया जा रहा है। छरी नाम तक कोई चीज़ नहीं है, देखने की चीज़ है। अच्छा, अब बाकी जो पहले जो बना है उसमें ये लोग ऐसा आँख में धूल झोंका है कि न कहीं एक गट्टी पड़ा है, न कुछ पड़ा है, मिट्टी पर लोग पिच कर दिया है। और यहाँ के जनता हमको घेर लिया, क्षेत्र भ्रमण के दौरान हम जब इस गांव में पहुँचे, घेरा, सारी समस्या को रखा, समस्या हम देखा, उसके बाद हम आप लोगों को खबर भी किया। और इधर गांव के लोग हैं, गांव के लोग से पूछ सकते हैं ये क्या इस पर कार्रवाई करेंगे, आपकी कितना आगे जाएंगे? हमारे ओर से कार्रवाई होगा। जिला प्रशासन जो अभी हमारे नए उपायुक्त महोदय आए हैं उन पर हमको भरोसा है और उन पर विश्वास भी है कि वे न्याय यहाँ के जनता को देंगे। इसलिए मीडिया के माध्यम से
हम जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि इस रोड का न्यायिक जांच कराकर अपने करके देख लिया जाए कि वास्तविक में ये रोड क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है। और जब तक इस रोड को जब कबर जा रहा है उसको फिर से पुनः नहीं बनेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और मुझे विश्वास है कि हमारी हमको आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, निश्चित जिला प्रशासन के लोग इस पर एक्शन लेंगे और एक्शन लेके ये लोग के जो मांग है रोड का, बड़ी मुश्किल से ये रोड मंजूर हुआ था, बड़ी मुश्किल से जब मंजूर हुआ तो बनते जा रहा है, कबरते जा रहा है, देखने की चीज़ है। और मैं कतई नहीं इसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कि ये रोड लोग लिपापोती करके पैसा कमा के चल जाए और यहाँ के जनता मुख दर्शक रहे और हम लोग चुपी साधे। क्या तब तक काम रोक करके रखिएगा जांच? ठेकेदार को हम बोल रहे हैं कि आप अपना जेई को स्कूटी को बुलाइए और वे देख लें, अगर वो कहते हो कि सही बन रहा है तो हमको रोकने से कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं रोकूंगा, ठीक है, लेकिन इसको फिर ऊपर स्तर से हम जांच कराएंगे। ये नहीं कि जेई और स्कूटी में पर हम छोड़ नहीं देंगे, ये स्कूटी से हम जांच दिखा देंगे। वो अगर कहते हो कि नहीं इस्टीमेट के अनुसार बन रहा है, यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं है, तो ठीक है बनाए, हम रुकेंगे नहीं। लेकिन इस सवाल को लेकर के हम उपायुक्त महोदय तक अभी तत्काल जाएंगे और उसके बाद इसका न्यायिक जांच कराएंगे। रोड में पहले से पिच हुआ था जी, कितना दिन पहले हुआ था पिच? 50 साल पहले हुआ था। ये अपना बचाव के ख्याल से रोड के कोड़वा के चारों तरफ मिट्टी पसार दिए, मेटल नाम के इसमें कुछ नहीं बचा। हम लोग चाह रहे थे कि इसमें एकजुट होकर काम अच्छा करावें, लेकिन इस गांव के जनता को इसमें शामिल नहीं होने दिए, तो इसी रोड से मिट्टी पत्थर हटा हटा के बराबर करके बनाते गए, मिट्टी पर ही पिच कर रहे हैं, हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। इससे पहले अच्छा था। क्या मांग करते हैं जिला प्रशासन से? जांच कराकर इसको पूरा अच्छा बनवाए। आप लोग का हम लोग के तब पिच होते जा रहा है, एक महीना भी नहीं हुआ है, 3 फीट और 4 फीट गड्ढा हो गया पिच में। हम लोग का प्रशासन से मांग करें बताइए, ऐसा तो पिच दुनिया में कहीं देखबे नहीं किए हैं कि ये रोड ऐसा बना है। हम लोग के प्रशासन से मांग है कि पुनः जांच करा करके अच्छा रोड बनावे, मजबूती के साथ जे भी स्कीम होगा वही मुताबिक बनावे, लेकिन हम लोग के 2-3 साल 5 साल कम से कम चले। अभी जो रोड बन रही है उसमें क्या दिक्कत हो रही है, मतलब क्या क्या? 3 फीट गड्ढा हो गया था, एक महीना भी पिच होले नहीं हुआ है, 3 फीट और 2 फीट दो चकिया तक भी नहीं चलने के लिए एकदम अच्छा नहीं था रास्ता। इससे तो बढ़िया पहले था कि जो हम लोग के ट्रैक्टर भी बढ़िया चल रहा था, दो चकिया भी चल रहा था, घटिया एकदम रोड बनल है, 3 फीट गड्ढा हुआ था, बरसात में गाड़ी जाने के लिए भी रास्ता नहीं था, कोई दुचकिया भी नहीं चल रहा था। चलिए, क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांग करते हैं कि जे जांच करा करके पुनः रोड बने, अच्छा बने, इस्टीमेट के अनुसार ही बने लेकिन मजबूती से बने। गांव की इस गांव के समस्या यह है कि पहले ही रोड में काम लगा तो टोटल मेंटल जितना था जीएसबी से तोड़ के साइड में ले, साइड करके और सब लेबर से चुनवा लिए ठेकेदार, और चुनवा के वही मेंटल से पुल बनावल गया, और इसमें दूसरा थलेसर पर से डस्ट मंगा के और पूरा डस्ट जिठा के उसके बाद इस पर पिच किया जा रहा है, और आगे से पिच हो रहा है, अब पीछे से कवर ले जा रहा है। अभी देखने वाला चीज़ है, ये ऐसा पिच हो रहा है कि हम लोग जिसे देहात में रोटी पकाते हैं उस तरीका के हाथ लगाएंगे तो रोटी के तरह कवर रहा है पिच। तो हम लोग इस रूप से संतुष्ट नहीं हैं, जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि पुनः जांच करके और इस रोड को इस्टीमेट द्वारा बनावल जाए। हम लोग ग्रामीण जनता जितना झेल रहे थे उससे भी दोगुना हम लोग के झेलना पड़ेगा ये रोड अगर बन जाएगा तो। इससे हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि धूर पर पिच ना होवे, कि धूर हटा के मेंटल जिठा के इसके बाद फिर से पिच कराया जाए। रोड तो बिल्कुल बहुत खराब रोड बनल है, जो कि इससे पहले रोड था इस रोड से बिल्कुल अच्छा था,
लेकिन ये रोड बनने अभी एक महीना भी नहीं बीता। बरसात के मौसम में इस रोड का ऐसा स्थिति हो गया जो कि मोटरसाइकिल और लोग पैदल चलने से भी असमर्थ हो गए। इस स्थिति में यहाँ के ग्रामीणों ने एकजुट होकर के रोड को रोकने का काम किया और बोला कि हम लोग एकजुट होकर के रोड को फिर से पुनः जाँच करवा करके फिर से रोड बनवाया जाए, यही यहाँ के जनता को कहना है। आप वार्ड सदस्य हैं क्षेत्र का, आप वार्ड सदस्य हैं इस क्षेत्र का, आप क्या कार्रवाई करेंगे? आपके वार्ड में गलत काम चल रहा है। वार्ड सदस्य हम तो यही प्रयास करेंगे कि हम लोग एकजुट होकर के काम को रोक दिए हैं, पुनः इसको जांच करवा करके फिर से रोड अच्छा बनाए, यही हम लोग प्रशासन से मांग करेंगे। और नहीं अगर जांच होता है तब तक काम को हम लोग रुके रहेंगे और जाँच करवा के